हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अभ्यास क्लासेस में। तो हमेशा की तरह आज भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। जी हाँ, माय नेम इज शिवम कुमार। इस जर्नी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, आपके सामने बेसिकली दो इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन नंबर वन है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, जिसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। जबकि दूसरा इक्वेशन आपको क्या दिया गया है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर वन, वो हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। आप पिछले ही लेक्चर में सीखे थे कि इस तरह का अगर इक्वेशन आता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है। आप 1x को क्या मान लीजिएगा, 1x को हम लोग मान लेते हैं u, एंड 1y को क्या मान लेंगे हम लोग, v। जैसे ही 1x को u और 1y को v मानिएगा, ये इक्वेशन आपका किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 30, जिसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली ये देखिए किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5u माइनस 4b इज इक्वल टू कितना आ गया, -2, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी के आगे आपका क्या है 3, और यहाँ बी के आगे क्या दिख रहा है 4। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। तो देखिए यहाँ पे 12 लाने के लिए हमको क्या कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 12 लाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो इस पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। चलिए जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 क्या होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 इंटू 2u कितना हो जाएगा, 8u। ये आ गया आपका 12b, ये हो गया आपका 52। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, 3 इंटू 5u, ये आपका हो गया 15u माइनस 12b इज इक्वल टू -6, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया +12 और यहाँ है आपका -12। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को। तो यहाँ से क्या होगा, भी वाला जो टर्म है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो देखिए 8u किसके साथ ऐड होगा, 15u के साथ। तो ये आपका हो गया 23u, और राइट साइड में क्या आएगा, 52 में से 6 गया, ये हो गया आपका 46। यहाँ से आप u का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 46/23, तो u का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 2। ठीक है, अब इस u के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके क्या निकाल लेंगे, v का वैल्यू को। चलिए पुट करते हैं हम लोग, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन जो है, ये आपका है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 30। अब देखिए आपका u का वैल्यू कितना था, u का वैल्यू यहाँ पे था 2 प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से देखिए 3v कितना आने वाला है आपका, ये रहा 13, 2 इंटू 2 होगा 4, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -4। तो ये आपका हो गया 3v इज इक्वल टू 9। यहाँ से आप v का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, 9/3, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो v का अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ गया, 3। u और v का वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, u का वैल्यू आया 2 एंड v का वैल्यू कितना आया, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस यहाँ पे पुट करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1x इज इक्वल टू क्या था, u था, u का वैल्यू आपका 2 आया है, तो यहाँ से आपका x का जो वैल्यू आएगा इज इक्वल टू 1/2, और 1/y इज इक्वल टू क्या था, भी, और भी का वैल्यू कितना आया, 3 आया, तो यहाँ पे हो गया 1/y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा अल्टीमेटली, 1/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पूरा सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू आया 1/2 एंड वाई का वैल्यू आया 1/3। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तब तब के लिए हम लोग मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दैट्स ऑल।